हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और उस मैट्रिसेस में आपने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो चैप्टर था वो चल रहा था और उसके हम कुछ एग्जांपल कर रहे थे। तो आज हम उन्हीं को एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल और हैं जो कैली हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड है। कैली हैमिल्टन थ्योरम के अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो लैम्डा को हम किस में चेंज करते हैं, मात्र ए में चेंज करते हैं। यही कैली हैमिल्टन थ्योरम है और इसको हम आगे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए A and verify that it is satisfied by A. A की वैल्यू है 0, 1, 2, 1, 0, -1, 2, -1, 0। ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो यानी कि कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एग्जाम्पल में आपको देखिए सॉल्यूशन में फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किससे दी जाती है, ए माइनस लैम्डा आई से, एंड वेरीफाई इट इज सेटिस्फाई ए कि कैली हैमिल्टन थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग ये ए को सेटिस्फाई करे तो हमारी ये प्रूफ हो जाएगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ए माइनस लेमडा आई इक्वल जीरो, यानी माइनस लेमडा 1, 2, 1, माइनस लेमडा -1, 2, -1, -लेमडा। दैट इम्प्लाइज -λ, 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 λ² -1, -1, +1 हो गया और माइनस के 1 हो गया, प्लस माइनस तो क्या होगा -λ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, प्लस का हो गया माइनस का हो गया माइनस का रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस 2, इसको छोड़ देंगे तो -1, -1, +2λ। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -λ λ² -1, -1 सही है लैम्डा। चलो खोल लेते हैं फिर हम इसे, ये आएगी -λ³ -λ, -λ, -2, -2 और +4λ। क्या आएगा, -λ³ 2 और 4, 6, 6λ, -4 = 0। यानी दैट इम्प्लाइज इसको मैं लिख दूँ λ³ -6λ और -4 = 0। ये वैल्यू आ गई। अब देखो इतना ही निकालना है, ये इक्वेशन आ गई। अब बोला है इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, तो नाउ कैली हैमिल्टन थ्योरम से नाउ बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है कि लैम्डा को हम किस में चेंज कर दें, ए में चेंज कर दें। तो a³ -6λ -4 = क्या हो जाए, 0। अगर हम LHS लेके चले तो हमारे पास क्या आ जाए, RHS आ जाए। तो अब हमें a² निकालना पड़ेगा। a² कैसे निकालेंगे, देखिए 0, 1, 2,
वन जीरो माइनस वन जीरो वन टू वन जीरो माइनस वन क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो वन प्लस फोर फाइव जीरो जीरो माइनस टू फर्स्ट रो जीरो ठीक है माइनस वन जीरो जीरो माइनस टू वन माइनस माइनस प्लस वन टू टू जीरो जीरो टू आएगा जीरो माइनस वन टू जीरो जीरो टू आएगा टू टू द फोर माइनस वन इज प्लस वन फाइव ये आ गया ए स्क्वायर. अब हम निकालेंगे क्या ए क्यूब निकालेंगे. तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें. चलिए ए क्यूब निकालते हैं हम. ए क्यूब इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए. ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फाइव माइनस टू माइनस वन माइनस टू 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 माइनस वन टू फाइव. ए की वैल्यू कितनी है जीरो वन टू वन जीरो माइनस वन ठीक है. अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर फाइव और माइनस माइनस प्लस वन सिक्स फाइव टू जै टेन ठीक है माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू ट्वेल्व. सेकेंड रो माइनस जीरो दो और चार दो और चार छः दो माइनस दो जीरो माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस चार माइनस दो माइनस चार माइनस दो माइनस छः. ये देखो जीरो दो पाँच दून दस दस दो बारह माइनस वन जीरो माइनस फाइव माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस दो माइनस दो माइनस चार. अब हम निकालेंगे यहां सिक्स ए कर लेना सॉरी सिक्स ए. नाउ एलएचएस क्या होगा ए की क्यूब माइनस सिक्स ए माइनस फोर. तो यहां होगा ए की क्यूब माइनस फोर सिक्स ट्वेल्व सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स. ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में जीरो वन टू वन जीरो माइनस वन टू माइनस वन जीरो माइनस फोर. यानी फोर की वैल्यू हम फोर आई लिख दूं मैं यहाँ फोर आई कर सकती हूँ. तो क्या आ जाएगा फोर जीरो 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 फोर जीरो 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 फोर. अब आगे बढ़ते हैं हम. अब क्या होगा माइनस फोर ठीक है
ये होगा माइनस फोर ज़ीरो, और अगली स्टेप माइनस फोर प्लस की फोर होने चाहिए। हाँ यहाँ कहीं मिस्टेक होगी, प्लस की फोर आएगी वैल्यू। थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन करिए, फोर आई आएगा, ये फोर की वैल्यू प्लस की होगी, तो प्लस फोर हो गए, सिक्स माइनस सिक्स ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ठीक है, सिक्स माइनस सिक्स माइनस फोर प्लस फोर होगा, और ये क्या होगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो कितना आएगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस फोर प्लस फोर, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई जीरो 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 जीरो, यानी कि जीरो आ गया, यानी कि क्या आ गया आपके पास में आरएचएस आ गया, इक्वल में क्या होगा जीरो हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी तो आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में शुरू में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी हो, तो आप कर लेना इसको करेक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिए। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कैली हैमिल्टन थ्योरम हैंस फाइंड इट्स इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ए की वैल्यू देखिए क्या है, वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री देखिए सॉल्यूशन में क्या है, क्या बोला है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई, यानी कि एक कोई मैट्रिक्स है सेटिस्फाई कह ली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि भाई जो ए माइनस लेमडा आई निकालोगे, जो लेमडा की टर्म आएगी वो उसको अगर ए में चेंज कर दो तो एल एच एस बराबर क्या आ जाए आर एच एस, जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है, और उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या फाइंड आउट करो ए इनवर्स फाइंड आउट करो, तो जो इक्वेशन आएगी उसमें हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करें, देखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो, तो क्या आएगा वन माइनस लेमडा जीरो टू जीरो टू माइनस लेमडा वन टू जीरो थ्री माइनस लेमडा, दैट इम्प्लाइज वन माइनस लेमडा तो क्या आएगा टू माइनस लेमडा थ्री माइनस लेमडा, ये जीरो से हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, लास्ट टू क्या आएगा जीरो माइनस टू टू माइनस लैम्डा,
ठीक है। अब देखो, 1 माइनस लैम्डा, 2 थ्री जो 6, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा, प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस 4, 4 टू द 8, माइनस के और 2 टू द 4, प्लस के 4 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, 3 दो 5 लैम्डा, प्लस 6, माइनस 8, प्लस 4 लैम्डा। आगे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, माइनस के 6 लैम्डा, माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस के लैम्डा क्यूब, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 5 और 1 6, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा की टर्म कितनी है, 6 और 5 11, या ये क्या, 6 5 11, 11 माइनस 4 7, तो माइनस के 7 लैम्डा, 6 माइनस 2, इसको मैं क्या कह दूं, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे सेटिस्फाई करो केली हैमिल्टन थ्योरम से। नाउ बाय केली हैमिल्टन थ्योरम क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 इक्वल 0, ये आएगा। तो हमें क्या चाहिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, और हमें चाहिए क्या, ए क्यूब चाहिए। तो देखिए ए, ए हमारे पास में 102, अच्छा पीछे वाले एग्जांपल में 012 था, थोड़ा सेम ही लगा मुझे इसलिए मैं देख रही हूँ। यहाँ कितना है ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर क्या है, ए, चलो मैं डायरेक्ट करती हूँ, 102 02 1 2 0 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो 1, ठीक है, 0, 2 टू 4 और 5, 0 0 0, 2, 3 दो 6, 2 8, ठीक है, 0 0 2, 0, 2 टू 4, 0, 2, 3, 3 दो 5, 2, 0, 3 दो 6, 2 8, 0 0 0, ठीक है, 2 टू 4, 3 3 जा 9, 4 और 9, 13, ए क्यूब पांच और आठ दो 16, 16 5 21, ठीक है, 21 और 0 0 0, 5 दुनी 10, 8 24, 24 और 10 34, 2 और 10, 10 और 2 12, 0, 4 दुनी 8, कितने आएंगे, 2 दो 4 प्लस 4, 4 4 8 और 5 दिया 15, 15 23, ठीक है, 8 26, 26, ठीक है,
26 और कितने हैं, 8 हैं, ये हो गए 34। 0 0 0, 8 2 16, 26 और 16, 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55। कितने आ गए, 55 आ गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक ये वैल्यूज आगे सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है। अगर हो जाती है तो हमारा सही है, नहीं होती है तो कुछ मिस्टेक है। स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमें इनवर्स और फाइंड आउट करना था। एग्जांपल में याद रखना इनवर्स और बोला था। अब देखो LHS ऑफ इक्वेशन 1 का LHS क्या है, ए क्यूब माइनस 6A² प्लस 7A प्लस में 2 इक्वल 0। ए क्यूब की वैल्यू देखिए क्या है, 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5, 0, 8, 2, 4, 5 और 8, 0, 13 प्लस 7। ए की वैल्यू कितनी है, 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 2। सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ जीरो है कि नहीं है। 21 6 5 30 प्लस 7 प्लस 2, 7 और 2 9, 9 और 21 30 हो गए, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 0, ये 0, 0, तो ये स्टेप 0, यानी कि लगभग ये सारे आप सॉल्व करके देख लेना, सारे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि क्या आ गया, RHS हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, नाउ फाइंड आउट क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। नाउ फाइंड आउट ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। प्री ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बचेगा ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 7 ए इनवर्स ए प्लस 2 ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ आई है तो इस तरह कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 6A प्लस 7i और प्लस में 2A इनवर्स। अब 2A इनवर्स वाली टर्म यहाँ रहने दो, और ये सारी किसकी हो गई, माइनस की हो गई, ए स्क्वायर माइनस 6A प्लस 7i, ठीक है। अपॉन में क्या कर दो, A इनवर्स चाहिए तो आप क्या कर दो, अपॉन में आप क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो। और हमें ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा, अब यहां पर लिख लेते हैं। अच्छा, ए क्यूब की वैल्यू है ही हमारे पास, ए स्क्वायर ये है, ए है, ठीक है। तो फिर
दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस सेवन आई। अब देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल माइनस वन बाई टू एज इट इज पड़ा रहने दें, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर 508245 8013, ठीक है, माइनस सिक्स ए की मल्टीप्लाई कितनी है, ए कितना है 102021203 प्लस सेवन आई को मैं साथ में लिख देती हूँ तो आएगा 700070007। अब देखो माइनस वन बाई टू कितना आएगा, फाइव पाँच माइनस छ प्लस सात, ठीक है, 000। आगे वाली स्टेप होगी 8 माइनस 12, ये स्टेप होगी 2 और ये वाली स्टेप होगी 4 6 2 12, ठीक है, प्लस सात, और ये वाली स्टेप होगी, इसको मैं थोड़ा आगे लिख दूँ, 8 माइनस 12 थे, ये वाली स्टेप होगी 5 माइनस 6 प्लस 0, ये वाली स्टेप होगी 8 माइनस 16 0 0 0 0 13 4 6 18 प्लस 7 माइनस के 1/2 7 और 5 1 2 3 4 5 7 5 12 माइनस 6 6, ठीक है, 0 8 माइनस 4 माइनस 4 2, ठीक है, और 7 और 4 कितने 11 और 11 माइनस माइनस 1 5 माइनस 6 माइनस 1 8 माइनस 16 8 माइनस के 0 13 और 7 20 20 माइनस 18 2 2 को डिवाइड लगाओगे तो ये आएगा 2 3 6 माइनस 3 0 माइनस 4/2 4/2 यानी 2, ठीक है, 2 का डिवाइड लगाओगे माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के 4 0 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस के 2। तो हम देख लेते हैं इनवर्स क्या है, हाँ यहाँ 1 आएगा, चेकआउट करें तो यही है माइनस 3 0 2 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 4 2 4 जा 8, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, माइनस 2 आना चाहिए क्या, 8 6 2 12 16 16 लिख दिया और 12 माइनस 4 कितने आएंगे माइनस 4 और प्लस के 2, ठीक है, प्लस के कितने आ जाएंगे 2, ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। इस तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए आज हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल किए हैं, बाकी एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना, सेम इसी तरह है, नहीं होंगे तो मैं आपको करवाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर जो अगला है नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।